यानी एक फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था, जिस डिस्प्यूट के चलते अगर बात करें तो चाचा ने ही अपने भतीजे की जान ले ली। जो रिश्ते अक्सर हम कहते हैं कि हमारे खून के रिश्ते हैं, लेकिन आजकल खबरें ये सुनने को मिल रही है कि खून के रिश्ते ही जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये खबर सीधा पुंछ से आ रही है। आपको बता दें कि पुंछ से खबर ये मिली है कि शुक्रवार से जो शनिवार की रात, यानी जो आज रात बीत चुकी है, उस दिन चाचा और भतीजा में जो है वो किस चीज़ को लेकर बहसबाजी हो रही थी। लेकिन जब चाचा को ज़्यादा गुस्सा आ गया, चाचा ने 32 वर्ष के लड़के को, यानी जिसकी एज 32 ईयर्स थी, चाचा ने अपनी लाइसेंस की गोली से जो है, अपने गन से जो है, उसे एक गोली मार दी। और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अब ये खबर जो भी सुन रहा है वो ज़रूर उसकी आंखें नम हो रही है, क्योंकि यही रिश्ते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा नाज होता है और हमें लगते हैं कि ये रिश्ते जो है वो हमारे खून के रिश्ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब खून के रिश्ते ही जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग जो है वो खबरें सुनकर हैरान भी हो रहे हैं। ये इंसिडेंट जो है वो पुंछ से बाहर आया है। आपको बता दें कि बीती रात, जो रात बीत गई, चाचा ने जो है, आपको बता दें कि एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें चाचा और भतीजा जो है वो आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते ही चाचा ने जो है अपनी लाइसेंस, जिस तरह से बात करते हैं, गन से जो है गोली मार दी, और जिसमें उसी समय जो है वो भतीजे की मौत हो गई। और आपको ये भी बता दें कि पुंछ की ये खबर जो आ रही है, ये बीती रात जो है वहीं से आ रही है, और पारिवारिक विवाद जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें भतीजे की उम्र जो है वो 32 ईयर्स है, और ये बताया जा रहा है कि जो चाचा है वो एक सर्विसमैन है जो अभी विलेज डिफेंस गार्ड का जो है वो काम कर रहे थे, और भतीजे की उम्र जो है वो 32 वर्ष बताई जा रही है, और ये दोनों जो है वो दारा दुलिया के रहने वाले हैं। यानी पुंछ सिटी की अगर हम बात करें, पुंछ सिटी के अंदर एक एरिया है दारा दुलिया, ये वहाँ के रहने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि बताया जा रहा है कि अपनी ही लाइसेंस राइफल से, यानी अपनी लाइसेंस राइफल से जो है वो गोली मारी गई है, और ऑन द स्पॉट ही जो है भतीजे की मौत हो गई है। अब आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जानकारी दी है कि वो राइफल भी जो है पुलिस ने सीज कर ली है, और चाचे को भी जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और क्या विवाद चल रहा था, और इस विवाद में इतना क्या हो गया कि चाचा ने जो है वो अपने भतीजे पर ही जो है गोली तान दी, और जिस गोली से जो है उसकी मौत हो गई, उसे लेकर भी जो है वो यहाँ पर खबरें बताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप जितने भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं वो इस खबर को जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आप इस खबर को सुनने के बाद में क्या, जो आपके खून के रिश्ते हैं, आपको लगता है कि खून के रिश्तों में भी इस तरह का काम जो है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है, ये खबर सबको हैरान कर रही है, और पुलिस ने जो इसमें इनिशियल जानकारी दी है, पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि हमने जो है चाचे को हिरासत में ले लिया है, और अब चाचे से ये पूछा जा रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक पारिवारिक विवाद चल रहा था, इस पारिवारिक विवाद को जो है वो सुलझाया भी जा सकता था। लेकिन इस पारिवारिक विवाद के ना सुलझने की अगर हम बात करें, तो इस पर जो है सीधा पुंछ के रहने वाले इलाके की अगर हम बात करें, दारा दुलिया की, उसी की ये दोनों रहने वाले थे, जिसमें आधी रात को कहा कि ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे, और बहसबाजी चाचे के साथ हो रही थी, और जिस तरह से चाचे ने जो है यहाँ पर सीधा जो है वो हथियार निकाला, और अपने 32 वर्षीय अगर हम बात करें अपने भतीजे की, उसके ऊपर जो है वो राइफल रख दी, और एक सर्विसमैन है ये। आपको बता दें कि दारा दुलिया के रहने वाले जो है ये एक सर्विसमैन है जो अभी विलेज डिफेंस गार्ड के लिए जो है वो सर्व भी कर रहे थे, और कोई आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें 32 वर्ष, यानी आप इसे घरेलू झगड़ा कह सकते हैं, घरेलू झगड़े में जो है वो सब वहाँ पर इकट्ठे थे, और घरेलू झगड़े में जो है यहाँ पर बातचीत उनकी हो रही थी, और इसी के चलते जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो गोली तान दी। और अभी फिलहाल के लिए जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि वो किस तरह की जो है वो राय रखते हैं। लेकिन अभी अगर पुंछ से कोई भी हो, अगर इसी इलाके से हो, तो वो भी बता सकता है। लेकिन अभी जो पुलिस का इनिशियल स्टेटमेंट है, उस पुलिस के इनिशियल स्टेटमेंट में यही बताया जा रहा है कि जो लाइसेंस राइफल है वो हमारे कब्जे में है, और अगर लाइसेंस राइफल की बात करें, उसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से लोगों की अभी हम बात करें, वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने का कारण क्या था, तो आपको बता दें कि अभी वो जो हथियार था, जो विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर वो काम करते थे, उसे भी पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया। और पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी मामले की इनिशियल जो है वो रिपोर्ट है, तो उसी हिसाब से कह सकते हैं जब मामले की पूरी तहकीकात होगी तो उस हिसाब से जो है वो बता दिया जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस खबर को शेयर भी करिएगा। आप पुंछ के दारा दुलिया इलाके से ये जो है खबर आई है कि बीती रात, जो रात बीत गई, एक चाचा ने जो है अपनी लाइसेंस राइफल से अपने ही भतीजे की जो है वो जान ले ली, जिससे आपको बता दें कि वहीं पर जैसे ही उनको गोली लगती है वैसे ही उनकी जो है वो मौत हो जाती है, और भतीजे की उम्र जो है वो 32 वर्ष बताई जा रही है।